सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं देश जी न्यूज। बिहार में घुसपैठियों की समस्या एक बड़ी समस्या हो गई है और इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई। कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये मामला न्यायालय में है और हम इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज भाजपा से बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय ने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि बिहार में घुसपैठियों की समस्या को लेकर नीतीश कुमार और नीतीश सरकार पूरे तरीके से चिंतित है। हम और हमारा विभाग लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए। और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, आइए हम आपको सुनाते हैं। संख्या में घुसपैठ है और क्या आपको लगता है कि जो जमीन है बिहार के लोगों के उस पर भी कब्जा किया जा रहा है, मठ मंदिरों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है? बिल्कुल, ये सच्चाई है। परसेंटेज चाहे 2 हो चाहे 200%, सच्चाई है कि सीमांचल इलाकों में घुसपैठी आ रहे हैं, बाहर के लोग बस रहे हैं। स्थानीय लोगों से मुझे जानकारी मिली है और अपने प्रमंडलीय बैठक के दरमियान जब मैं पूर्णिया, अररिया और भागलपुर गया था, काफ़ी लोगों ने बताया कहीं पर जिनकी संख्या अधिक है, एक समुदाय की संख्या अधिक है, वहां पर उनके थ्रू बाहरी लोगों को ला करके और विदेशी पैसा है लोगों को ला करके और वहाँ के लोकल जो स्थानीय, उनको लगता है कि जमीन दूसरे का मैं बेचवा दूंगा तो 1,00,000 रुपया हमको मिल जाएगा। इस्लाम में वो ये नहीं समझ रहे कि देश का नुकसान हो रहा है, वो देख रहे हैं कि हमको पैसा मिल रहा है और हमारे समाज के लोग आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत विचारधारा है और इस कारण से समाज में विकृतियाँ पैदा होगी, समाज में असामाजिक तत्व पैदा होंगे और देश के ऊपर खतरा होगा, ये मेरा कहना है। कुछ मठों में बड़े पैमाने पर 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार से जन्मदिन के अवसर पर सौगात देने की तैयारी चल रही है, किस तरीके से आप लोग उसके लिए पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से काम कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख का विश्वकर्मा पूजा के दिन उनका जन्मदिन है और ये पुरुष लौह पुरुष के तरह आज देश के अंदर सब जगह अपने जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री होने के नाते और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दोनों लोग मिल करके और हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ऐसी व्यवस्था बनाए हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगे और मैक्सिमम लोगों को उस दिन लग जाए, इस पर प्रक्रिया सरकार पहल कर रही है और पार्टी संगठन के द्वारा हम लोग सेवा के भावना से ये 17 सितंबर से लेकर के अक्टूबर के 1 वीक तक यह कार्यक्रम चलेगा, उसमें बहुत सारी योजना को लागू किया गया है। उसी संदर्भ में मैं आज भागलपुर जा रहा हूँ, भागलपुर में हमारा आपदा का बैठक होगा और 16 और 17 को संगठन के जिले के हिसाब से नवगछिया जिला और भागलपुर जिला में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इस 7 साल में जो कार्य किया गया है देश के लिए किया गया है, उन सबका प्रदर्शनी का उद्घाटन करना, सेवा ही धर्म है उसके तहत हम लोग घाट नदी में घाटों की सफाई करना, मंदिरों में पूजा अर्चना करना, यानी सारा व्यवस्था और गरीबों को मुफ्त अनाज अन्य योजना का लाभ देना, ये सब कार्यक्रम में लगेंगे और नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों शतायु हों, ये हमारी शुभकामना है। तो आपने सुना कि किस तरीके से रामसूरत राय ये कह रहे हैं कि हमारा विभाग जो है ये मंदिर मस्जिदों और तमाम जगहों का डाटाबेस पूरे तरीके से तैयार कर रहा है और इस डेटाबेस से हम घुसपैठियों को पकड़ने में सक्षम होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये जो घुसपैठिए हैं ये आम लोगों की मदद से बिहार में घुस रहे हैं और ये आम लोगों को पैसे देकर बिहार में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें देश जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश जी न्यूज़।